नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं हांडी चिकन मसाला बना के आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से हांडी चिकन मसाला बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया है। यहाँ पर 1 किलो चिकन मैंने यहाँ पर लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के उसके बाद मैं कुछ मसालों के साथ मैरिनेट करूँगी। मैंने करीबन यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच करीबन मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। एक छोटा चम्मच में यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 प्याज, मीडियम साइज के प्याज कट किए हुए, मैं इसमें चॉप किया हुआ ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर लहसुन जो है वो भी कूटा हुआ यहाँ पर यूज करूंगी। 1 पूरा लहसुन जो है वो मैंने छील के अच्छे से धो के फिर इसको कूट लिया है। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी कूटा हुआ ही यूज किया है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च कम ज्यादा कर सकते हो। अब मैं इसे अच्छे तरीके से हाथों से मैरिनेट कर लूंगी। अभी हमें इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, हम जस्ट इन मसालों के साथ चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। करने के बाद इसे करीबन 1 घंटे के लिए थोड़ा सा रख लेंगे, जिससे कि मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। 1 घंटे बाद हमने इसे पहले से ही 1 घंटे के लिए रख लिया है। अब हम इस हांडी में इस चिकन को पकाएंगे। मैंने एक हांडी लिया है, जैसे ये थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी। थोड़ा सा जैसे ही तेल गरम हो जाता है उसके बाद मैं इसमें 2 सूखी लाल मिर्च ऐड करूंगी और थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले यूज़ करेंगे, इलायची, जैसे कि 2 इलायची, 2 दालचीनी और थोड़े से काले मिर्च। इस तरीके से खड़े मसाले जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने इस चिकन में लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अगर आपको लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पसंद है तो आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर इलायची, दालचीनी मैंने इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसे हमें अच्छे तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लेना होगा। थोड़ा सा जैसे ये फ्राई हो जाता है इसमें हम कट किए हुए आलू जो है वो ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा आलू मैं इसमें नहीं दे रही हूँ, 2 से 3 आलू मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। आलू को हमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में हम इसे फ्राई कर लेंगे
उसके बाद जैसे ही आलू थोड़ा सा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, उसके बाद जो मैरिनेट किया हुआ था चिकन हमने एक घंटे के लिए रख लिया था, उस चिकन को हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे। इस चिकन को बनाते समय आपको याद रखना है फ्लेम को बहुत कम और बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, फ्लेम को आप मीडियम में रखिए और अच्छे तरीके से इसे बीच बीच में चलाते रहना है हमको। अब हमने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। देखिए हम इसी तरीके से इसे बीच बीच में थोड़ा सा चला देंगे, उसके बाद फिर हम इसे रखेंगे। अभी हमको ढकना बिल्कुल नहीं है, अभी हमें मसालों के साथ चिकन को बहुत अच्छे तरीके से इसे फ्राई करते रहना है, इसलिए हम इसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम में नहीं देंगे और ना ही इसको ढक के पकाना है हमको। इसे मीडियम फ्लेम में रखिए और इसी तरीके से इसे फ्राई करते रहिए। इसमें करीबन 20 से 25 मिनट का टाइम जो है वो लगेगा आपको। इस चिकन को आप जितना धीरे धीरे पकाओगे, जितना ही इसे वेट करके इसे पकाओगे, चिकन जो है वो उतना ही सॉफ्ट और उतना ही जूसी पकेगा। ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसी तरीके से हांडी में आप मटन भी बना सकते हो, वो भी बहुत सॉफ्ट होगा। प्रेशर कुकर में ऐड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हांडी में ही आप मटन को भी बना सकते हो इसी तरीके से। लगभग जो है ये चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें पानी जो है वो ऐड करूँगी। देखिए मसाले जो है अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चिकन जो है लगभग फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें गर्म पानी, बिल्कुल हल्का सा गर्म पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। करीबन 1 लीटर पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। ओके सॉरी, उससे पहले जो है मैं इसमें टमाटर, मैंने अभी तक टमाटर ऐड नहीं किए हैं, इसमें मैं चॉप किए हुए टमाटर जो है वो ऐड करूँगी इसमें, और इसे हम तब तक थोड़ा सा चला लेंगे जब तक कि टमाटर जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से गल ना जाए, तब तक हम इसे और पका लेंगे। टमाटर जो है यहाँ पर गल चुके हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। करीबन 1 लीटर पानी जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। पानी देने के बाद अब हम इसे लो फ्लेम में ढक्कन को ढक के फिर हम इस हांडी में चिकन को पकाएंगे, जिससे कि ये जो चिकन है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी पक जाएगा। इस तरीके से हम ढक देंगे। ढकने के बाद फिर हमें 20 मिनट के लिए इसे एकदम लो फ्लेम में छोड़ देना है। 20 मिनट बाद जो है ये चिकन देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आप इसे रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, किसी चीज़ के भी साथ आप लेना चाहते हो आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनती है ये रेसिपी। आज का ये वीडियो बस यही तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। একদম পুরো মেশিন মারতে বলেছে।